हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी, मेरे चैनल का नाम है हर रेनबो लाइफ एंड यू गाइस आर द रेनबो ऑफ माय लाइफ। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं एक हैक को ट्राई। आई वाज थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं ये हैक को ट्राई करूंगी, बट आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रो। बट मैंने सोचा हैक इसीलिए होते हैं कि आप प्रो नहीं हो, उसके बाद आप प्रो बन सको उन हैक को यूज करने के लिए। सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ वेदर ये अच्छा होता है नहीं होता है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज जस्ट गो बैक, वॉच माई अदर वीडियोज। आई होप दोज वीडियोज विल बी हेल्पफुल एंड गिव अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आपको वर्दी लगते हैं तो टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं डालूँ आपको पता चल सके, क्योंकि कभी कभी मेरा वीडियो हेयर एंड देयर हो जाता है। बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं टाइमली पुट कर सकूँ। आई होप आप लोग सभी सेफ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होगे और बाहर नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो डबल मास्क लगा के जा रहे हो। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। और अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ माई सनस्क्रीन। ये है लोटस हर्बल का सेफ सन SPF 30। सो दिस इज आई एम गोइंग टू यूज़ फर्स्ट। ये इसे वाइटिश नहीं होता है सबसे पहले, इसीलिए मुझे ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। मेरी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन, आप सब लोगों को पता ही है पहले से कैसी स्किन है मेरी, तो ये मुझे बहुत सही लगता है। उस हिसाब से मेरी स्किन के लिए दिस वर्क्स वेरी वेरी नाइसली। अभी हम इसे कुछ सेकेंड देंगे ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके और उसके बाद विल मूव टू सेकेंड थिंग। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग इज प्राइमर। आई एम यूजिंग स्टेकवर्की का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल। दिस इज रियली रियली नाइस। एज आई टोल्ड यू माई स्किन इज ऑयली बट दिस ऑयल वर्क सो नाइस एंड माई स्किन सो नाइस। आई थिंक यू शुड मस्ट ट्राई। मैंने अपनी जो मेरी पर्पल वाली हॉल थी उसमें भी आपको ये वाला दिखाया था एंड इफ यू कैन सी ये मोस्टली खत्म हो चुका है। आई रियली लाइक दिस ऑयल। आई थिंक आई विल बाय इट अगेन बिकॉज दिस इज रियली नाइस। एटलीस्ट फॉर माई स्किन इट गिव्स दैट ग्लो इन माई फेस, तो मुझे बहुत सही लगता है ये वाला। सो वी आर डन विद द प्राइमर। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, हैक की तरफ पढ़ते हैं सीधे। मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी पीपल का HD मैट क्रियॉन। दिस इज अ रियली नाइस ब्रांड, बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्लीज लेट मी नो, आई डू अ हॉल बिकॉज मेरे पास इनका बहुत सारा सामान आया है एंड आई रियली लाइक दिस ब्रांड। इट्स वेरी चीप बट रियली गुड। तो अभी मैं ये यूज करने वाली हूँ एंड दिस इज द क्यूट मिरर विच आई गॉट फ्रॉम मिनीशू अ लॉन्ग बैक। मैंने पता नहीं तुम लोगों को दिखाया नहीं दिखाया बट दिस इज द मिरर, आई एम गोइंग टू यूज इट। तो एज पर द वीडियो हमें ये चीक बोन यहाँ पूरा लगाना है। तो मैं बहुत सारा ले रही हूँ। आई डोंट नो मुझे बहुत सारा लेना है कम सारा लेना है बट यहाँ ओके। आई थिंक ये बहुत से भी ज्यादा बहुत सारा है। ओके, सो अब मैं स्पंज के थ्रू डैप करके इसे पूरा इवन कर लूंगी अच्छे से। मुझे ऐसे लगता है ये एक्ने प्रोन्स है जिनकी स्किन अनइवन है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता होगा। तो आप देख रहे हो अभी ये अच्छे से हो गया है, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छे से पूरा ब्लेंड हो गया है। आई थिंक मुझे ज्यादा लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब तो मुझे बस हल्का रेडनेस ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए और ज्यादा, तो लेट्स डू इट। थोड़ा और लगाते हैं। मैं अपने चीक बोन एरिया में थोड़ा सा और लगा रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा कम पड़ गया और बहुत सारा, क्योंकि मैंने जितने वीडियोस में देखा है उन्होंने बहुत सारा पुट करा है। मैंने ट्राई करा था बहुत सारा पुट करने का बट स्टिल आई थिंक थोड़ी कमी रह गई तो मैंने और ज्यादा लगा लिया है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, जैसे होना चाहिए था वैसे ब्लेंड हो गया है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा और कर लेते हैं, आई थिंक ये हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप शुड बी
कंसीलर. सो नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन का फिट मी. इसका जो कलर है वो है 20 सेंट. एंड यूजिंग द सेम ब्लेंडर और उससे मैं ब्लेंड करने वाली हूँ. आई थिंक नाउ इट्स ब्लेंड बट स्टिल आई डोंट थिंक इट रियली वर्किंग विद. मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वर्क करेगा मेरे फेस में बट अब मुझे ऐसे लग रहा है नहीं करेगा बिकॉज आफ्टर कंसीलर भी वो पूरा रेड गया. मतलब बंदरिया सी लग रही हूँ अभी तो मैं. बट इट्स ओके. नाउ वी आर गोइंग टू यूज आर फाउंडेशन. मैं हूँ मेबलिन का ही मैक पोलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन. और मैं अपने ब्रश के थ्रू इसे पूरे फेस में लगाऊंगी. सो गाइस मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है जितना मैं ट्राई कर सकती थी कि मैं अपना रेडनेस हल्की सी मतलब अच्छे से ब्लेंड कर सकूं. आई हैड ट्राइड. तो अभी मेरा फेस कुछ ऐसा दिख रहा है. नाउ आई एम थिंकिंग टू डू कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैं दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कॉन्टोर भी मुझे नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू वर्क मेरे साथ. बट या लेट्स ट्राई. तो कॉन्टोर के लिए मैं शुगर का ये यूज़ कर रही हूँ पैलेट. सो नाउ दिस इज डन. अभी मैं करूँगी क्या करूँगी मैं कुछ कर दिखाऊंगी. अभी आई एम नाउ गोइंग टू यूज ब्लश. ब्लश इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्लशर. सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगी. ऑल आर रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स. अगर आप नए हो तो आई थिंक यू शुड मस्ट ट्राई ऑल दिस प्रोडक्ट. एंड आई रियली लाइक स्विस ब्यूटी का ये ब्लशर. आई हैव सो मैनी ब्लशर्स बस ये आई फाइंड द बेस्ट वन. ऑल्दो इट्स रियली चीप बट स्टिल इट्स रियली रियली गुड. सो यू मस्ट ट्राई दिस वन. आई डोंट नो मैं ब्लशर क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा ब्लशर टेक्निक ही है. बट स्टिल आई एम यूजिंग ब्लशर क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ. और अभी मुझे याद है कि मेरे को ब्लशर नहीं यूज़ करना चाहिए. तो आई एम ट्राइंग टू कॉन्टोर टू ब्लेंड इट एज मच एज पॉसिबल. बट अभी मैंने कर दिया तो मैं क्या करूँ. आई थिंक इट्स मच बेटर. प्लीज स्किप ब्लशर वाला पार्ट क्योंकि मैंने गलती करी है. आप प्लीज मत करना. नाउ आई एम गोइंग टू बेक माई फेस विद मेबलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर. सो मोस्टली चीज़ें मेबलिन की है बिकॉज मेबलिन आई थिंक इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल. आई थिंक कि मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड है. तो आई एम नाउ गोइंग टू बेक माई फेस. And going to leave it like this only. Yes. Now let's clear that. So this is now done. अभी हम करने वाले हैं हाइलाइटर से हाईलाइट. उसमें एंड आई थिंक आई एम डन. अगर आप कोई अच्छा फेस मिरर देख रहे हो तो डू ट्राई दिस मिनी शू का. दिस मिरर इज रियली रियली गुड. और ये आई थिंक अंडर 150 है. तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए मिनी शू का ये वाला. ये अमेजोन में भी अवेलेबल है तो आप अमेजोन से भी ले सकते हो. नाउ आई थिंक आई एम डन.
एंड आई डिड प्रिटी गुड जॉब हेयर. अभी मैं अपना जो भी मैंने ये कार्यक्रम करा है अपने फेस में वो मेकअप फिक्सर से फिक्स करने वाली हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस. दिस इज़ रियली रियली गुड. ये बहुत सही है. वैसे सब कुछ ही सही है जो भी मैंने आपको दिखाया दिया थी. यू नो मोस्ट मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो वाले प्रोडक्ट्स हैं. तो इसे जो स्प्रे करते हैं अब मैं अपना फटाफट आई मेकअप करती हूँ, बाल खोलती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक आया है अच्छे से. सो गाइज हेयर आई एम एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड. मतलब स्टार्टिंग मुझे लगा था ये वर्क करेगा. फिर एक बार को मुझे लगा ये वर्क नहीं करेगा. बट अभी मुझे लग रहा है कि दिस इज सुपर डुपर फन हैक विच यू शुड डू इफ यू डोंट नो मेकअप. मतलब आपको करना ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए. अगर आपकी स्किन अनइवन है और स्कार्स हैं तब तो ये आपके लिए ही बना है. दिस इज सो गुड. यू कैन सी इन माई स्किन. इवन मैंने ना कुछ आंखों में भी नहीं करा है, थॉट में कुछ आईज में करती हूँ. बट आई फाइंड की कोई जरूरत ही नहीं है. आई जस्ट यूज माई मस्कारा. आई रियली लाइक दिस लुक. आई रियली रियली लाइक इट एंड आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप हैक विच यू शुड ट्राई इफ यू डोंट नो मेकअप. अगर आता भी तब भी ट्राई करो. और अगर आपके स्किन में ना अनइवन है या यू नो स्कार्स हैं, पिंपल एक्ने स्कार्स और ये सब है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है. एंड आई सुपर डुपर लव लव. अगर आप मेकअप गुरु टाइप्स हो तो लेट मी नो. मैंने कुछ गलती की है बट स्टिल आई रियली लाइक दिस. सो मेरे लिए तो थम्स अप है. और अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो डू फॉलो मी. आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हर रेनबो लाइफ. तो प्लीज़ जाओ वहाँ पर, मुझे लाइक करो, शेयर करो. वहाँ पर लाइक शेयर नहीं होता एक्चुअली, वहाँ पर तुम्हें मुझे फॉलो करना है और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना और मुझे लाइक भी देना. तो यस I'm super happy. Actually, I'm happy. So it's going to work for you also. Go and do it. And please, अगर करोगे ना ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे पक्का please मुझे मेरे इंस्टा में टैग करना. सो दैट आई ऑल्सो नो कि किसी को मुझे देख के मन, मतलब मुझसे इंस्पायर नहीं हो गया बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ शुरू करा है. बट हाँ मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरी वीडियो देख के तुम लोगों ने भी करा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. या मैं सच में बहुत ज़्यादा इस मेकअप को इस लुक को देख के बहुत खुश हो गई हूँ. ओवर एंथुजियास्टिक हो गई क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा है. आई रियली लाइक दिस लुक. आई रियली गोइंग टू यूज़ दिस हैक अगेन एंड अगेन बिकॉज इट रियली वर्क्स. एक्चुअली इट रियली वर्क्स. मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. मैं बहुत सारा बड़बड़ा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें काट दूंगी बट स्टिल आई रियली रियली लाइक दिस. गो ट्राई एंड टेल मी, टैग मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इट रियली वर्क्स फॉर यू और नॉट. और अगर आपको पता है कि मैंने कुछ गड़बड़ भी करा है तो वो भी मुझे बताना ताकि नेक्स्ट टाइम ना मैं वो गड़बड़ ना करूँ. और या सो दिस वॉज द होल वीडियो. आई होप आपको बहुत मजा आया हो. और मेरी बड़बड़ अगर आप अभी तक झेल रहे हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, कुछ कमेंट करते हुए जाना. और अब हम मिलेंगे अगली बार. तब तक के लिए बाय.